लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें हारने के बाद बीजेपी पुराने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर लौट आई है। पार्टी ने जब लोकसभा चुनाव में मिले वोटों का विश्लेषण किया तो सामने आया कि उसे जाट समुदाय के वोट नहीं मिले हैं। अब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने हरियाणा में दोबारा से गैर जाट मतदाता, जो कुल आबादी का लगभग 75% है, उस पर फोकस करने का फैसला लिया है। रविवार को रोहतक स्थित पार्टी के राज्य कार्यालय में आयोजित एक समारोह में नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष और राय से विधायक मोहन लाल बडौली ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी जाट वोटरों से तौबा करती हुई नजर आ रही है। मौजूदा समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सैनी पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो वही अब पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली ब्राह्मण समुदाय से हैं। आपको बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाई थी और पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया था। इससे पहले कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। उस वक्त रामविलास शर्मा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष थे। चुनाव में जीत के बाद पार्टी ने रणनीति बदली और जाट समुदाय से आने वाले सुभाष बराला को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया। उस वक्त पार्टी जाटों को नाराज करना चाहती थी। ये अलग बात है कि हरियाणा की सत्ता में आने से पहले बीजेपी को लेकर यही कहा जाता था कि ये गैर जाट वर्ग की पार्टी है। उस वक्त प्रदेश का जाट वोटर ज्यादातर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में शिफ्ट हो चुका था। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले ये वोट बैंक खास तौर पर चौटाला परिवार के पक्ष में माना जाता था। हरियाणा की राजनीति को करीब से जानने वाले राजनीतिक जानकार बताते हैं कि प्रदेश की सियासत दो ही वर्गों में विभाजित रही है। भले ही प्रदेश में सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन जाट और गैर जाट राजनीति के केंद्र में हमेशा रहे हैं। बीजेपी को तो शुरू से ही गैर जाटों की पार्टी माना जाता रहा है। हरियाणा में ये कहावत आम रही है कि भाजपा शहर वालों की पार्टी है। इसी के चलते 1980 से लेकर अब तक बीजेपी के ज्यादातर प्रदेशाध्यक्ष गैर जाट ही रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि हरियाणा में बीजेपी को जाट समुदाय का समर्थन नहीं मिलेगा। इसी के चलते आज पार्टी बैकफुट पर आ गई है। पार्टी को अपनी पहले वाली सोशल इंजीनियरिंग पर लौटना पड़ा है। जिस वर्ग यानी कि गैर जाटों को बीजेपी अपना बताने का दावा करती है, उसकी संख्या करीब 75% है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से जाट समुदाय का समर्थन हासिल किया है। जाट वोटों पर अपना हक जताने वाली इनेलो और जजपा को नकार दिया गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूदा समय में एकमात्र जाट नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल जाट समुदाय का ही नहीं बल्कि गैर जाट वोटर्स का भी समर्थन हासिल था। खासतौर पे एससी समुदाय के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। दूसरे समुदाय के लोग भी कांग्रेस के पक्ष में खड़े नजर आए। बीजेपी ने जाट समुदाय के वोट हासिल करने के लिए तमाम कोशिश किए, लेकिन उसे समर्थन नहीं मिल सका। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया, उससे पहले नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना और अब मोहनलाल बडौली को प्रदेशाध्यक्ष के पद पर बैठाना, ये सारी बातें इशारा करती हैं कि बीजेपी 2014 से पहले वाली मूल सोशल इंजीनियरिंग के सहारे विधानसभा चुनाव में उतरेगी। खट्टर के जरिए पंजाबी समुदाय को साधा गया है, तो नायाब सैनी के जरिए पिछड़ा एवं एससी मतदाताओं को संदेश दिया गया है। मोहनलाल बडौली को अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने यह बताने की कोशिश की है कि विधानसभा चुनाव में उसका फोकस गैर जाट समुदाय के वोटर्स पर है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में राव इंद्रजीत सिंह और किशन पाल गुर्जर को जगह देकर अपनी रणनीति बीजेपी ने साफ कर दी है। 2014 में विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने हरियाणा में गैर जाट वोटर्स पर फोकस किया था। अब ये दोबारा से उसी राह पर सक्रिय है। अमित शाह लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में छाई मायूसी को दूर करने का प्रयास करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग का ये सम्मेलन बीजेपी की गैर जाट रणनीति पर मुहर लगाता है। इससे पहले ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया और इस वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के मकसद से ओबीसी वर्ग में आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा
की गई थी। अब खास बात यह है कि पिछले दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में बुरी तरह मात खानी पड़ी थी। पिछले चुनाव में राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी को इस बार केवल 5 सीटों पर ही जीत मिली और उसके मत प्रतिशत में भी लगभग 12% की कमी आ गई है। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण यह है कि उसकी ये पूरी कमी कांग्रेस के खाते में ट्रांसफर हो गई है। कांग्रेस ने शून्य से आगे बढ़ते हुए न केवल 5 सीटों पर जीत हासिल की बल्कि उसके मत प्रतिशत में रिकॉर्ड 15% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि लोकसभा चुनाव के यही आंकड़े अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में ट्रांसफर हुए तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल होना पड़ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।